Dear student, today we are learning about protozoans. Protozoa जो कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स. मतलब जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर मींस होता है एक कोश की जीव. लेकिन इसमें एक बात ये दिखाया जा रहा है दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टर्स. यूनिसेलुलर तो है लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल जैसे जैसे फीडिंग हैबिट्स, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी जो भी एनिमल में है वो सब इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं. जैसे एनिमल टेक फूड बाय हैंड्स तो अमीबा टेक फूड्स विद हेल्प ऑफ साइटोकोडिया. डिस्कवरी ऑफ प्रोटोजोआ. हियर न्यू क्वेश्चन अराइज हियर हु डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ. तो एंटोनी वान लीवेनहॉफ वाट डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ. एंटोनी वान लीवेनहॉफ वाट डिस्कवर्ड प्रोटोजोआ. नेक्स्ट साइज ऑफ प्रोटोजोआंस. जैसा कि आपको हम बताएं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी डू नॉट सी आवर नेकेड आईज. वी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स. तो इनकी जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर से सेवरल मिलीमीटर्स. अब आपको 1 माइक्रोमीटर की बात करते हैं. 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10^-6 मीटर. ठीक है 10^-6 मीटर्स. अब समझ लीजिए आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने छोटे जीव होते हैं. जब इतने छोटे होते हैं तो हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग है हैबिट. हैबिट सॉलिटरी. ये अकेले भी रहता है, कॉलोनियल ग्रुप में भी रहता है, फ्रीली स्वतंत्र रूप से यह रहता है. पैरासाइट पैरासिटिक. पैरासिटिक मीन्स सम एनिमल्स लिव इन आर ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड्स. सम एनिमल्स लिव इन आर ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. दीज आर कॉल्ड पैरासाइट. तो आप समझ गए होंगे पैरासाइट क्या है. सिम्बियोटिक. सिम्बियोटिक मीन्स होता है सहजीवी. सम एनिमल्स लिव इन द अदर एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. बाथ बाथ बेनिफिट एनिमल्स. यानी ये जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहते हैं या किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं लेकिन जो फायदा होता है दोनों को होता है. यानी इसके बदले में ये कुछ लेता है तो उसके बदले में कुछ देता भी होगा. जैसे जिस जीव से थोड़ा सा कुछ ले भी रहा है उसको कुछ दे भी रहा होगा. तो ऐसे लाइफ को हम क्या कहते हैं सिम्बायोटिक लाइफ. नेक्स्ट है हैबिटेट. जो प्रोटोजोआ है वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर. यानी दोनों तरह के हैबिटेट में रहने में सक्षम है चाहे वो फ्रेश वाटर हो रिवर पॉन्ड या मैराइन वाटर सी ओशियन. ये हर तरह यानी दोनों तरह के वाटर में यह रहने में क्या है सक्षम है. नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ में पहला है फिगर अमीबा. आप जानते होंगे वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा पैरामीशियम जार्डिया. तो ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये अमीबा का है. ये सिडोकोडिया है. ये प्लाज्मा है. प्लाज्मा जल है. वाटर पैक्यूल्स है.
न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है। जैसे ये जब ये भोजन कैसे करता है, जैसे मान लो यहां कोई इंसेक्ट से दिखाई दिया और वह उसका क्या हो, फीड हो, ठीक। मान लो ये कोई भोजन है जिसको दिखाई दिया कि ये जो स्यूडोपोडिया है ये इस दोनों को ऐसे फैला कर कैसे कवर कर लेगा, इसको इसको यहां से ऐसे फैला कर इसको ऐसे अंदर कर लेगा, इस तरह से इसको अंदर कर लेगा, फिर इसे लाएगा फूड वैक्यूल्स है इसमें। जब फूड वैक्यूल्स में लाएगा तो ये एक ऐसे लिपिड का सिक्रीशन करता है जिससे कि यह इंसेक्ट मर जाता है। जब यह मरेगा तो इसमें जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स है और उसे चूस लेगा, ठीक है, सक कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स को सक करने के बाद फिर जो वास्ट प्रोडक्ट बचता है इसको धीरे धीरे वैक्यूल्स यहां आएगा और यहां से हल्का से खोलेगा इसका मुंह और वास्ट शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से तो यह फूड को एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर वैक्यूल्स है, ये प्लाज्मा देव है और ये न्यूक्लियस है। आप देखिए इसमें करेक्टर यहां लिखा गया है, ये एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, तो एनिमल में रिप्रोडक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन, सम लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग सेम काइंड ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक। सभी जीवित जीव अपने समान एक नया जीव पैदा करते हैं, उस विधि को हम क्या करते हैं, जिस विधि के द्वारा करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें तो कोई ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता नहीं है, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है। इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे लंबाई में बढ़ जाता है, ये जो अंदर है वह टू डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो करके और आगे चल के जब बाइनरी फ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं और एक अलग अलग न्यूक्लियस बन जाता है। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। फिगर आप देख रहे हैं पैरामीशियम का, ये हेयर लाइन जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो सीलिया है, इसके माध्यम से मूवमेंट करता है। ये फूड वैक्यूल्स है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूक्लियस है और ये माइक्रोन्यूक्लियस है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, यहां भी फूड वैक्यूल्स है, वाटर वैक्यूल्स है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबियोसिस ऑफ प्रोटोजोआ, सिंबियोसिस ऑफ प्रोटोजोआ, सिंबियोसिस मींस सम एनिमल्स लिव इन अराउंड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स बेनिफिट बाथ एनिमल्स, दे प्रोवाइड बेनिफिट बाथ एनिमल्स, यानी दो जीव साथ साथ रहे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। जैसे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ रुमिनेंट्स, प्रोटोजोआ टर्मिट्स, प्रोटोजोआ फूड ईटिंग कॉकरोच। अब आपको देखिए बताते हैं प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, ये प्रोटोजोआ बैक्टीरिया दोनों मिलकर के म्यूटुअलिस्टिक एसोसिएशन करते हैं, पारस्परिक संगठन बनाते हैं जिससे एक दूसरे को भी ये लाभ पहुंचाते हैं। प्रोटोजोआ रुमिनेंट, रुमिनेंट आप जानते होंगे ऐसे जीव जो एक बार भोजन में जात करने के बाद पुनः मुंह में ला करके उसे चबाते हैं, जैसे काउ, बुफेलो। प्रोटोजोआ टर्मिट्स, टर्मिट्स प्रोटोजोआ फूड ईटिंग कॉकरोच, ये इन सब के साथ मिलकर के सिम्बियोटिक लाइफ जीता है। नेक्स्ट स्टडी है डिजीज, प्रोटोजोआ मलेरिया जो फीमेल एनाफिलिन मॉस्किटो होता है उसके लार में यह रहता है और जब वो किसी को काटता है तो उसे मलेरिया फीवर हो जाता है, ठीक है। जियार्डियासिस ये भी एक तरह का फीवर है, अनाबियासिस एंटामीबा हिजुलेटिका के द्वारा होने वाला यह मेचिस, लोकल लैंग्वेज में पेचिस कहते हैं। जैसे जब आपके पेट में ऐंठन हो, ऐंठन के साथ साथ
दर्द हो और आप जब लाइटिंग जाए तो आपको ब्लड भी बाहर आए म्यूकस के साथ साथ, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या है, डिसेंट्री है। तो ये एंड अमीबा इंसुलेट का पहले मानव के इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां ये पहले अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, उसके बाद फिर अटैक करता है। जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन भोजन को अवजात करती है, तो जो ये जाल में लेते हैं फिर वो उसको ये सक करके अवजात करता है, जैसे कि वह आपको जगह जगह इंटेस्टाइन के अंदर चिपकता है तो वहां वो उंड बना देता है, घाव बना देता है। जब वहां से छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां से ब्लड बाहर आने लगता है और आपके बाद स्टमक में दर्द होता है। बार बार आपको लाइटिंग लगती है, इसके बाद लाइटिंग जाते हैं थोड़ी थोड़ा सा ब्लड और म्यूकस शरीर से बाहर आता है। नेक्स्ट स्टडी है ट्रिपैनोसोमिया, इससे ये एक मक्खी है, इसके काटने से आपको स्लीपिंग सिकनेस, ये मक्खी इसकी जो है करियर है, जब वो आपको काटते हैं तो स्लीपिंग सिकनेस, आपको नींद ज्यादा आती है, ठीक है। तो यह प्रोटोजोन्स के द्वारा स्प्रेड होने वाली कोई डिजीज है। नेक्स्ट बी मीट अगेन, नेक्स्ट टॉपिक फंजाई बी हो कि ऑल स्टूडेंट्स राइट एंड प्रिपेयर देयर नोट्स व्हेन द क्लास इज ओवर, वी प्रोवाइड सम एक्सरसाइज टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। जब ये क्लास पूरा ओवर हो जाएगा माइक्रोऑर्गेनिज्म का, तो हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे, इन सभी क्लासों को देख करके आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आपको जो भी वीडियो आपको दिए जाते हैं उसका आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। आप लोगों के पास हम लोगों का मोबाइल नंबर भी है या स्कूल में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।